हेलो एवरीवन, वेलकम टू आहिल टेक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने HDFC बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट कैसे इंक्रीज करा सकते हैं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि आपको प्री अप्रूव्ड में क्रेडिट कार्ड मिल जाता है या फिर ऐसे भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है और उस क्रेडिट कार्ड को आप काफी महीने या फिर साल तक यूज करते हैं, एक साल तक या उससे ज्यादा भी यूज करते हैं, मगर उसका लिमिट इंक्रीज करने का कोई ऐसा ऑफर आपको नहीं मिलता है। और कई बार ऐसे होता है कि आप 6 महीने ही क्रेडिट कार्ड अपना यूज करते हैं और आपको जो है कि बैंक की तरफ से प्री अप्रूव में ऑफर मिल जाता है। जैसे कि मेरे ही एक फैमिली मेंबर के साथ में ऐसा हुआ, तकरीबन उन्हें 7 महीना पहले एक क्रेडिट कार्ड मिला था, मिलेनिया कार्ड HDFC का, जिसका लिमिट 1,20,000 रुपए था। और उनका 6 महीने के बाद ही उनका फिर से जो है उनके मेल पे एक आया, मेल ईमेल आईडी पे उनका मेल आया कि आपका जो है कि प्री अप्रूव फिर से ऑफर आया है क्रेडिट इन्हेंसमेंट का, जो कि उनका प्री अप्रूव बैंक से ऑफर आया और 1,20,000 से उनका जो क्रेडिट लिमिट है 3 लाख हो गया। ठीक है, मगर मेरे केस में क्या हुआ, मैं तकरीबन 1 साल से 30,000 रुपए क्रेडिट कार्ड लिमिट मुझे मिला हुआ था। वो क्रेडिट कार्ड था मनी बैक प्लस और मैं लगभग 11 महीने से यूज कर रहा था उसको और उसका लिमिट इंक्रीज नहीं हो रहा था। मैंने कई बार ब्रांच में भी जाके बोला मगर कोई वहां पे मुझे ऐसा रिस्पांस नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, कैसे मेरा लिमिट इंक्रीज हुआ, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। मेरा लिमिट जो है कि 30,000 से बढ़ के 1,00,000 रुपए हो गया है, वही मात्र 4 दिन में। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्या स्टेप फॉलो किया जिसके वजह से मेरा जो क्रेडिट लिमिट है सडनली इंक्रीज हो गया, ये मैंने पूरा जो प्रोसेस किया है ये आपको मैं पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपका लिमिट इंक्रीज काफी जल्दी आपका जो है कि इन्हेंसमेंट हो जाएगा अगर आप ये स्टेप को फॉलो करेंगे तो। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर स्टेप को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आपका लिमिट इंक्रीज 100% हो जाएगा। जब आपका लिमिट इंक्रीज हो जाए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिएगा आपका लिमिट कितना इंक्रीज हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, हम HDFC का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में आ चुके हैं। आने के बाद हम चलते हैं क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन में और वहां चल के हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पर। हम यहां पे कार्ड्स वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं और करने के बाद यहां पे हम मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो मनी बैक प्लस वीज़ा क्रेडिट कार्ड है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 6,856 रुपये है और मेरा रिमेनिंग क्रेडिट जो है कि 93,143 रुपीज़ यहाँ पे है, यानी कि जो है कि ये पूरा मिलाकर 1,00,000 का क्रेडिट लिमिट मेरा जो है कि अभी है। और 1,00,000 का क्रेडिट लिमिट अभी आज ही के डेट में मेरा हुआ है, इससे पहले मेरा 30,000 रुपये क्रेडिट लिमिट था। ठीक है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 70,000 लिमिट मेरा इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि 30,000 डबल से भी ज़्यादा मेरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लिमिट जो है इसका इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आप भी इस ट्रिक को यूज करके, इस एप्लीकेशन इस प्रोसेस को आप ट्राई करके आप भी अपना क्रेडिट कार्ड लिमिट इन्हेंसमेंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको वेब ब्राउज़र में जाना है। जाने के बाद वहाँ पे आप HDFC का नोडल ऑफिसर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपको HDFC का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से आपको काफ़ी आसानी से नोडल ऑफिसर्स का ईमेल आईडी आपको एड्रेस मिल जाता है। सिंपली आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के जो नोडल ऑफिसर है उनको आपको ईमेल करना है। ईमेल कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, 24 मई को मैंने यहां पे ईमेल किया हुआ था। मैंने यहां पे लिखा हुआ था कि मेरा क्रेडिट लिमिट जो है ये इतना है, जितना आपका होगा वो आप वहां पे मेंशन कर दीजिएगा। आप अपने क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट जो है कि आप वहां पे मेंशन कर दीजिएगा, कितना पुराना आपका क्रेडिट कार्ड है वो आप वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आपके पास ITR होगा, लेटेस्ट ITR, तो फिर आप उनको बता सकते हैं, वरना आप उनको कुछ बताइएगा नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे इजीली उनको जो है कि आप बोल सकते हैं कि मेरा जो है कि लिमिट इन्हेंसमेंट किया जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा लिमिट आप इंक्रीज करें। ठीक है, इसके बाद से तुरंत आपको एक ऑटोमेटिक ईमेल आ जाएगा जो कि वो रिसीव्ड हो गया है, इससे ये पता चलता है। उसके बाद आपको 2 से 3 दिन के अंदर में, वर्किंग डेज के अंदर में आपसे कॉन्टेक्ट किया जाता है, यानी कि ईमेल के द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, 25 मई को 2 दिन के बाद ही मुझे एक ईमेल मिलता है, जो कि यहां पे मुझे एक ऑफिसर ग्रीवेंस सेल का यहां पे हायर कर दिया जाता है, जिनके द्वारा मुझे मैसेज भेजा जाता है, ईमेल भेजा जाता है कि आपका यहां पे जो भी रिक्वेस्ट था ये यहां पे दर्ज हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है और हम लोग इसका रिव्यू कर रहे हैं और जल्दी हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूँ,
इसके बाद हमें फिर से एक ईमेल आता है 3-4 दिन के बाद से, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम आपका जो है कि रिव्यू कर रहे हैं, आपने जो रिक्वेस्ट किया हुआ है, हम बैंक का जो इंटरनल पॉलिसी है उसके हिसाब से हम चेक कर रहे हैं कि आपका लिमिट बढ़ाया जा सकता है, और हम आप सब ये सब करके हम आपको 1 जून को जो है कि अपना डिसीजन हम यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मुझे एक फिर से मेल आता है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डेट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 31 मई। 1 जून को रिप्लाई करने के लिए कहा गया था, मगर 31 मई को मुझे यहाँ पे आ गया था मेरा डिसीजन। क्या यहाँ पे आया था, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे काफी खुशी के साथ आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका क्रेडिट लिमिट एडिशनली 70,000 बढ़ाया जा सकता है, यानी कि मेरा जो पहले का लिमिट है उसको छोड़ के अतिरिक्त तौर पे यहाँ पे 70,000 लिमिट यहाँ पे कर दिया जाएगा, यानी कि 30,000 पहले के और 70,000 अब 1,00,000 रुपये क्रेडिट लिमिट मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ सिक्योरिटी कारण मैं यहाँ पे आपको पूरा क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, ईमेल में। आप क्या कीजिए, आप इस मेल के साथ रिप्लाई कीजिए अपना कन्फर्मेशन, अपना एंडिंग जो क्रेडिट कार्ड का जो लास्ट एंडिंग 4 डिजिट का जो नंबर है वो यहाँ पे डाल के आप मुझे रिप्लाई कीजिए, फिर मैं आगे का प्रोसेस करता हूँ। और मैंने कल का यहाँ पे मैसेज कर दिया था और आज मेरा क्रेडिट लिमिट जो है कि इंक्रीज हो भी गया है, जो कि मैं आपको वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुका हूं, ठीक है। तो पहले मेरा क्रेडिट लिमिट 30,000 था, अब 70,000 बढ़ गया, यानी कि 1,00,000 मेरा क्रेडिट लिमिट यहां पे हो गया है, डबल से भी ज्यादा यहां पे लिमिट इंक्रीज मेरा हुआ है, किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। और इस तरह से मैंने किया है, जो कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस जो होता है इसका मैं आज के इस वीडियो में आपको बता दिया हूं। तो इस तरह से आप काफी आसानी से अपना लिमिट इंक्रीज आप भी करा सकते हैं, बस आपको अपने एरिया का जिस स्टेट में आप रहते हैं वहां पे आपको नोडल ऑफिसर से कॉन्टेक्ट करना है और उनको आप अपना ये बताना है कि मुझे ये मेरा लिमिट है, इतना दिन मेरा हो गया है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, और फिर आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने के लिए, और काफी आसानी से वो आपको क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करा देंगे अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो। इसके अलावा फ्रेंड्स मुझे कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट्स, इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ी है, मुझसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा गया है और मेरा लिमिट जो है कि इंक्रीज कर दिया गया है। तो आप भी काफी आसानी से ये प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना क्रेडिट लिमिट इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो को शुरू में आपको बताया था कि आपको क्या करना होगा, छोटा सा काम आपको ये करना होगा कि आप अपने जो सेविंग अकाउंट अगर आपका इस HDFC बैंक के साथ में अगर है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर आपका HDFC बैंक का सेविंग अकाउंट अगर है तो आप उस अकाउंट को थोड़ा अच्छे से ट्रांजेक्शन कीजिए। अच्छे के ट्रांजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप 20,000-50,000 का लेन देन करें, नहीं, 500,000 रुपये का भी आप लेन देन कर सकते हैं महीने में 4-5 बार। और इसके अलावा जो इसका जो 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस वाला जो अकाउंट होता है उसमें आप 15,000-20,000 भी अगर आप रखते हैं तो ये काफी अच्छा इंपैक्ट करता है, ठीक है। तो ये इतना सा काम आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है, तो काफी आसानी से आपका लिमिट इन्हेंसमेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, प्लीज अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिनको ये प्रॉब्लम आ रही होगी तो इस वीडियो को देखकर काफी आसानी से अपना लिमिट इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ।